आप सभी का मेरे ब्लॉग में फिर से स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज है मंडे, मंडे की सुबह चाय बनाते के साथ स्टार्ट हो रही है और चाय बनाने के बाद मैं चाय पीऊँगी। वैसे तो हर एक दिन की सुबह मेरे चाय बनाते और चाय पीते के साथ ही होती है, उसके बाद कुछ और काम होता है। आज मैं कुछ ज़्यादा ही फ्रेश महसूस कर रही हूँ क्योंकि कल मैं घर का साफ़ सफाई करने में बहुत ही ज़्यादा थक गई थी। आप लोगों से भी शेयर की हूँ कि मैं कैसे घर का साफ़ सफाई करती हूँ महीने में एक बार। कल तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था काम करने के बाद, पर आज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, फ्रेश लग रहा है। मैं चाय चढ़ाकर और दूध भी बैठा दी हूँ, उसके बाद जाऊँगी मैं बालकनी में शीशा साफ करने। कल बहुत तेज़ बारिश हुआ था और हवा भी चला था जिससे शीशा टूट गया है, तो मैं इसको साफ़ करूँगी। मैं सबसे पहले घर में साफ़ सफाई का काम कर ली हूँ, चाय चढ़ाने के बाद इसको साफ़ करने आए क्योंकि इधर 6 बजे अंधेरा जैसा रहता है, तो मैं साफ करने के लिए नहीं निकली क्योंकि पैर में गिर भी सकता था। अभी पूरा उजाला हो गया है तो मैं साफ करने के लिए बाहर निकली, किसी के पैर में न गड़े इसलिए मैं पहले इसको साफ कर ले रही हूँ। बालकनी साफ़ करने के बाद हम लोग चाय पी लिए। चाय पीने के टाइम सोना उठ गया था तो उसके साथ भी थोड़ा सा खेले। अब मैं किचन में आई हूँ, किचन में ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। ब्रेकफास्ट में मैं पनीर मटर का सब्जी और कचौड़ी बनाने वाली हूँ। पनीर मटर सब्जी बनाने के लिए मैं सबसे पहले प्याज टमाटर और काजू को हल्का फ्राई कर ली हूँ और उसको बारीक पीस लूँगी, और लहसुन अदरक मिर्ची जीरा मरीच का अलग पेस्ट बनाऊँगी और दोनों को साथ में ही भूनेंगे। प्याज टमाटर अच्छे से भून गया है, अब मैं मसाला भी तैयार करूँगी और दाल भी चढ़ा दूँगी बनने के लिए। पनीर का सब्जी बनाने के लिए मैंने सारे मसाले को पीस कर तैयार कर लिए। सबसे पहले मैं लहसुन मिर्ची जीरा मरीच के पेस्ट को भूनूंगी, उसके बाद मैं प्याज टमाटर के पेस्ट को साथ में मिलाकर भूनूंगी। मसाला अभी भून रहा है, मैं पनीर को काट लेती हूँ। पनीर को काटने के बाद मैं मटर को पानी में थोड़ा सा फूलने के लिए डाल दूँगी। मैं फ्रोजन मटर का यूज़ करती हूँ इसलिए मैं उसको थोड़ा सा पानी में डालती हूँ। मसाला भून गया है, अब मैं सब्जी में पनीर डालकर मसाला के साथ भूनूंगी, और दाल भी बन गया है तो मैं दाल को छौंक लूंगी। अब मैं कचौड़ी के लिए आटा गूंथ कर तैयार कर लेती हूँ। कचौड़ी के लिए आटा गूंथ कर तैयार कर लिए, अब मैं इसका छोटा छोटा लोई बनाऊंगी। मैं कचौड़ी या पूरी जब भी बनाती हूँ तो सारे पूरी को एक बार बेल लेती हूँ, उसके बाद छानती हूँ। कचौड़ी छानने से पहले मैं सोना के लिए रोटी बना लूँगी क्योंकि सोना को मैं कचौड़ी नहीं खिलाऊँगी, दूध रोटी खिलाऊँगी, इसलिए मैं पहले रोटी बना लेती हूँ। हम लोगों का ब्रेकफास्ट हो गया है, सोना को भी खिला दी हूँ, तो अब मैं आई हूँ किचन में बर्तन धोने और गैस स्टोव को साफ़ करने। पूरा किचन को अच्छे से क्लीन करूँगी। पूरा किचन अच्छे से साफ़ हो गया है, अब मैं सेव को उबाल रही हूँ। अभी सोना को तेल लगाने जाना है, तेल लगाते तक ये अच्छे से उबल जाएगा और मैश भी हो जाएगा, इसलिए मैं इसे कम आंच पे उबलने के लिए रख दूँगी। अब मैं आ गई हूँ सोना को तेल लगाने। तेल लगाने से पहले मैं इसे थोड़ा सा खेलती हूँ, नहीं खेलने पर यह तेल लगवाने नहीं देता है, रोने लगता है, और इसके साथ खेलने के बाद तेल अच्छे से लगवाता है। सोना के साथ खेलते टाइम मैं बुक दिखाती हूँ, पोयम सुनाती हूँ, वो ज़्यादातर पोयम सुनता है, बुक भी देखता है। बुक देखते के साथ तो जिस पे उंगली रखता है उसके अनुसार से पोयम सुनता है।
आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक श्योर करें, और जो भी लोग मेरे चैनल में पहली बार मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब श्योर करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस ब्लॉग को यहीं पे लास्ट करती हूँ, फिर आप लोगों के लिए मैं नया ब्लॉग लेकर आऊँगी। मिलते हैं मेरे नए ब्लॉग में। धन्यवाद।